जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद मंदिर तो बहाना है मंदिर को बहाना है मुसलमान निशाना है मुसलमान निशाना है मंदिर मस्जिद बहाना है मंदिर मस्जिद बहाना है अभी ज्ञान भाई का तो फैसला जिस तरह से आया, दो दरवाजे खुले और आठ दरवाजे खोलने वाले, आठ जो तहखाने हैं उनको खोलने का भी फैसला। अभी ये जो कल उत्तराखंड का फैसला आया कि फिर से जो है कॉमन सिविल कोड को लाया है, यानी कि हर रोज एक मसला आप देख सकते हैं। तो कहाँ तक ये प्रोटेस्ट करते जाएंगे, क्योंकि अदालत इस तरह से फैसले दे रही है, जैसे आपने कहा कि ये वाकई काबिले फिक्र है, तो इसे आगे किस तरह से करेंगे, क्या एहतजाज इसका एक, क्योंकि संविधान भी बदलने की बात कही। जी एस डी पी आई का एक पूरा सोशल एक स्टैंड है, यहाँ का आवाम का भी एक स्टैंड है, और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए जो चीज आपने अभी बताई, जो भी जज वाराणसी के जो स्टेटमेंट देकर है कि यहाँ पे पूजा के लिए अनुमति दे रही है, ये जो जज का जो फैसला आकर है चिंताजनक है। तो वर्कशिप प्लेस ऑफ वर्कशिप एक्ट जो 18 सितंबर 1991 में जो बनाया गया है, उस एक्ट के अंदर मेंशन है कि जो आजाद होने के बाद, हिंदुस्तान को आजाद मिलने के बाद जो धार्मिक स्थल है, यानी जो जिसके जिसके इस्लामिक है, मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, इनके ऊपर कोई भी क्या है राजनीतिक नहीं खेला जाएगा, इनके इसमें कोई भी पक्ष में उनके ना दिया जाएगा ना इनके दिया, जो अभी स्थिर है ये तो वहीं पे रहेगी बोलकर एक आकर है, जो ज्ञान अभी मस्जिद जो है फैसला आकर है ये 400 साल पुरानी है। तो इसे कंसीडर करते हुए डिपार्टमेंट जो भी कोर्ट का जो आदेश है, हमें इसे क्या करते हैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वापस से क्या है हाई कोर्ट में डालकर एक पेश इसको वापस जो मस्जिद कमेटी को है उनको मस्जिद सौंप। पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर एतराजात दर्ज किए जा रहे हैं कि एक तरफा फैसले हो रहे हैं, हकीकत की बुनियाद पे नहीं हो रहे, क्योंकि ये तो राजा बादशाहों के जमाने के फैसले हैं। 1950 में संविधान बनता है, संविधान के बाद की बात मानने को तैयार नहीं है, पहले की बातें को लाकर नया नया तरीके से इश्यूज को खड़ा किया जा रहा है। तो इसमें एक अवाम की एक जिम्मेदारी है जो किया जा रहा है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी जिंदा है, लॉ एंड ऑर्डर अभी भी जिंदा है। हम कहते हैं कि अभी भी क्या है अवाम को, सेकुलर अवाम को एक होकर आकर ये जो हमारा भाईचारे का जो भी बंटवारा हो रहा है इस पे ना हो दे बोलकर एक अवाम से मेरे एक आजीजाना रिक्वेस्ट कर क्या है यहाँ पे ये करें। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम। आज बेलगाम में एसडीपीआई की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद जो अदालत की जानिब से हिंदू पक्ष में फैसला दिया उसके खिलाफ एहतजाज करते हुए मस्जिद को दोबारा बाबरी मस्जिद बनाने नहीं देंगे, इस तरह की बातें कही जा रही है। लिहाजा यहाँ पर देख सकते हैं कि कसीर तादाद में यहाँ पर एसडीपीआई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं, जमा हैं, और उनका मुतालबा यही है कि ज्ञानवापी मस्जिद को फिर से एक बाबरी मस्जिद बनाने न दिया जाए। कई सारे तलबा, कॉलेज के स्टूडेंट, मुस्लिम नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका यही मुतालबा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक और बाबरी मस्जिद बनाने की साजिश और कोशिशें जारी हैं, बीजेपी स्पॉन्सर्ड वायलेंस। और यहाँ पर देख सकते हैं बुजुर्ग भी हैं यहाँ पर, वी कैनॉट लेट ज्ञानवापी मस्जिद बी द बाबरी, एक और बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, इस तरह के मुतालबे एसडीपीआई की जानिब से यहाँ पेश किए जा रहे हैं। कसीर तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं, इंतजामिया भी है,
पुलिस महकमा मौजूद बड़ी तादाद में। एक तरह की बेदारी लोगों में नजर आ रही है, किस तरह से इंसाफ का तमाशा किया जा रहा, अदालत में फैसले एक तरफा किए जा रहे, इस तरह के भी बातें कही जा रही है। आज के इस मौके पर जो प्रेस महकमा यहां पर मौजूद है हमारे बुलाने पर, तो हमें भी बहुत तरह की खुशी महसूस हो रही है कि इतना सारा प्रेस मीडिया हमसे जो है हमारे एक्टिविटीज से खुश है और अपने काम पे सब रवान दवा है। तो हमेशा की तरह मैं एक शेर से शुरू करूंगा, वो मशहूर शेर यह है राहत इंदौरी साहब का, आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, ये किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। साथियों, प्रेस मीडिया से 8 दिन जाते हैं कि हमारी मुलाकात हो रही है, तो इस पर गौर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कितने कितने जुल्म सितम और एक 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 का जाति धर्म पर होते जा रहे हैं। तो भाइयों, आज हमारा जो यहाँ जमा होने का मकसद है ज्ञानवापी मस्जिद के रिलेटेड। ज्ञानवापी मस्जिद के हक में जो फैसला आया वो बिल्कुल गलत फैसला है, उसको कोई भी हिंदुस्तानी, सिर्फ मुसलमान नहीं, कोई भी हिंदुस्तानी इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बोलने का मकसद यह है, सिवाय बाबरी मस्जिद के 1947 में, 15 अगस्त 1947 के एक्ट के हिसाब से आजादी के बाद 1991 में एक एक्ट बनाया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, जो भी मस्जिद, जो भी चर्च, जो भी मंदिर, जो भी प्रार्थना स्थल है वो अपने अपने जगह पर सेफ है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा बोलकर, उनमें चेंजेस नहीं होंगे बोलकर, ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि जो लोकल जज ने जो ऑर्डर दिया है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उनके लिए चैलेंजिंग नहीं था, उसको देखते हुए वो अपना ऑर्डर, अपने ऑर्डर को आगे पास कर सकते थे, उसको रुका सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। और जैसे ऑर्डर पास होता है उसी दिन रातों रात इतनी भी गड़बड़ क्या है, मुहूर्त का तो भी तलाश करते थे, मुहूर्त का तो भी वेट कर सकते थे, रातों रात तहखाने में जो है पूजा शुरू होती है। पूजा करने में हमें आपत्ति नहीं है, वो भी प्रार्थना स्थल ही है, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, प्रार्थना स्थल आके मस्जिद में घुस कर जबरदस्ती है कैसे है? और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, आज अगर कोई प्रॉपर्टी या कोर्ट कोर्ट में मामला जाता है तो पोजीशन किसका है कोर्ट पूछता है। 400 साल से वहां पर क्या है, नमाज हो रही है बाकायदा, एक नहीं दो नहीं 400 साल से, और अचानक डिसीजन होता है और नीचे से जाकर लॉक तोड़कर वहां पर पूजा हो जाती है। पूजा में मैं जैसे पहले बताया, मैं ये नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन जो रास्ते से की गई है गलत रास्ता इख्तियार किया गया है। वहां से वहां की मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वालों ने क्या किया, हाईकोर्ट थ्रू आओ। हाँ, तो ये पूरा एक साजिश के तहत हो रहा है, समझ में आया क्यों? मैं हक के यानी डंके की चोट पे कहना चाह रहा हूँ, क्यों? 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस का पूरा एक बेंच आकर बाहर बोला था, क्या बोला था, कि हिंदुस्तान का जो है कोर्ट सिस्टम जो है, हिंदुस्तान का जो इंसाफ का निजाम है खतरे में है बोलकर। हाँ, तो फिर वहां पर जब आते हैं तो फौरन यहाँ से यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो जाती है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट में है, तो उसको उसका हियरिंग आना चाहिए था ना, उसका रिजल्ट आना चाहिए था, ये रिजल्ट नहीं आया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ नहीं है, 2024 इलेक्शंस की तैयारी है, पोलराइज करना है। बाबरी मस्जिद का अब हो गया, अब नया इशू चाहिए ना, तो इसको हवा देंगे तो क्या होंगे, हमारे हिंदू वोटर्स जो है हमारे 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 पास हमारे पक्ष में वोट देंगे। लेकिन हिंदुस्तान का जो वोटर है बहुत होशियार है, अब बहुत सालों से जुल्म हो गया हिंदुस्तान पर, हिंदू मुस्लिम पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान पर बहुत सालों से जुल्म हो गया। अब हमें आगे बढ़ने की बात करनी है, अब हमें तरक्की पे जाना है, अब हमें मुल्क को, हमारे हिंदुस्तान को जो है विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु करके हम आपस में लड़कर ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें जो है आज हमारे जो सामने जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम फोकस करना चाहिए। बेरोजगारी आम होते जा रही है, इंडिया की जनता 83% इंडिया की जनता राशन पर डिपेंडेंट है, ये हमारे इंडिया का सर शर्म से झुकाने की बात है। 83% ऑफ इंडियन कम्युनिटी, इंडियन पॉपुलेशन का 80% लोग राशन पे जिंदा है, तो ये मुल्क को आगे ले जाने वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या भाई भाई को नफरत
और ये अभी अयोध्या का जो रिजल्ट आया जी, आप कैसे, आप क्या उसको रिएक्ट कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जैसा हो गया था उसे सबने एक्सेप्ट किया है, उसके लिए कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है। और जो जी जी ये कोर्ट ही आदेश है, लेकिन कैसे हो गया, उसे पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर था। अभी आप जैसा बोल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उसको एक्सेप्ट किया था। कौन सा? बाबरी मस्जिद का। वो कहां से हुआ था? सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर डिलीवर होने के बाद में हो गया था। लेकिन ये क्या हुआ? लोकल कोर्ट से, लोकल कोर्ट के आदेश पे इतना सब हो रहा है। इसके आगे और प्रोसीजर है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद में जो आएगा वो देखा जा सकता है। वो अभी किसी के पक्ष में नहीं आया ऐसा लगता है, वो सिर्फ पूजा करने के लिए वो अनुमति। वही ना, अभी पूजा बोले तो वही हो गया ना, अभी पूजा बोले तो वन एक तरफ से अथॉरिटी दे गया जैसा हो गया ना। अभी मैं, मेरा एक घर है, मेरे बेसमेंट में आके कोई आके रह गया तो क्या मैं क्या समझूंगा उसको? वो लोग बोलते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी हमारा था उसपे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया, फिर वापस हम लोग दे रहे थे। वही वही मैं जो बोल रहा हूँ, ये 400 साल पुराना है, एक मस्जिद है 400 साल से आबाद है। और मैं जैसा पहले बोला, पहले के राजाओं के लिए हिंदू मुस्लिम अलग नहीं थे, दो आंख थे। तो वो लोग क्या करते थे, सबको एक ही जगह में बसाते थे। देखने में क्या लग रहा है, दोनों एक ही कंपाउंड में है, लेकिन वहाँ मस्जिद भी उन्हीं के जमाने से, मंदिर भी उसी के जमाने से है। बस हमारे सोचने में फर्क है। एक्ट 1991 का जो एक्ट आकर है, जब से हिंदुस्तान मुल्क आजाद हुआ है, उसके जगह पे जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी, मंदिर है वो मंदिर रहेगी, उसमें कोई भी भेदभाव ना कर कर सेकुलर रखा जाएगा, उसे बोलकर 1991 का एक्ट जो है हमें जो बताता है, हम उसके तहत जो वाराणसी के जिला जज ने जो ये दिया है, कार्रवाई की है उसके ऊपर, वो चिंताजनक है। हम ये नहीं बोल रहे कि गलत है, वो चिंताजनक है। इसको हाई कोर्ट में डालकर हम क्या है, क्रैश कराकर जो भी है उसके सेकुलर में है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर के तहत रहते हुए, अंदर रहते हुए क्या है, हम उसकी एक डिमांड करते हैं कि वो वापस मस्जिद मस्जिद ही रहेगी और मस्जिद कमेटी को सौंप दिया जाए, बोलकर एसडीपीआई की एक डिमांड है।